सवाल नंबर 38 क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज के तीन कोने ए बी सी हैं, ए बी सी है, कह रखा है कि ए पर आवेश 0.100 माइक्रोकूलम, फिर क्या कह रहा है, और कोनों बी और सी के बीच मध्य बिंदु पर तीव्रता, त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो समबाहु त्रिभुज है, तो जब आप ऐसे आएंगे तीव्रता निकालने तो ये 5 हो जाएगा, और ये दूरी आपको चाहिए तीव्रता निकालने में, चूंकि E बराबर अब ये कैसे मिलेगा, सबको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा। पचहत्तर अंडर रूट, यानी सच कहें तो आर स्क्वायर बराबर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 75 ही आएगा। अब आइए निकालते हैं, पॉइंट 100 माइक्रो का मतलब 10^-6, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओहो, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। अब धड़धड़ुआ लगेगा सवाल, 9 × 3 = 9, 25 × 3 = 75, ये हो गया है ना, तो 3/25 बेटा, और 10^9 में से 6 गया, कितना बचा 3, और 3 तो लगा दो 3, और -4 ऊपर गयो 7 न्यूटन पर क्या बचा, कूलाम बेटा, 300 करके 25 कर दीजिए, × 10^4 कर दीजिए इसको, 5 कर दीजिए इसको, मुझे तो लगता है सब कुछ एकदम सही है, अब बाकी भगवान जाने। ये 10^5 कैसे कर दिया आपने, 7 था, 7 कैसे कर दिया, क्योंकि 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और ये 0.1 भी बचा है, तो ये 10^4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये आएगा 25 × 25 = 50 × 10^4 न्यूटन पर कूलाम, प्यारे बच्चों 1.2 × 10^4 = 5 न्यूटन पर कूलाम, अरे 1.2 इधर ले आया, और एक चीज आपसे कहते हैं दिशा, तो यही दिशा होगी, धन परीक्षण आवेश रखकर चेक कर लीजिए, प्रतिकर्षण नीचे ही लगेगा, जो प्रतिकर्षण की दिशा वही उसकी दिशा। सवाल नंबर 39 पर चलते हैं बेटा, क्या कह रखा है, सवाल नंबर 39 कहता है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, ठीक है, जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, फिर क्या कह रहा है बेटा कि कोनो ए व बी पर 50/3 -50/3 ए व बी पर, मैंने गंदा भुजा चुन लिया, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसे ए कहूं, इसे बी कहूं, इसे सी कहूं, ए पर जो है 50/3 और बी पर -50/3 × 10^-9 कूलाम, बेटा आवेश इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा क्या होगी, कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्या होगी, मतलब वही सवलिया घोर घोर के पूछता है, मैं अभी निकलवाया था, मैं इस बार नहीं निकलवाऊंगा उस तरीके से, मैं बहुत सिंपली निकलवाऊंगा, सबको पता है प्लस से किसकी ओर होगी, माइनस की ओर होगी, इधर ही होगी, लेकिन यहां नहीं होगी, इधर होगी, जो मैंने आपको सवाल नंबर अभी 37 करवाया है, आप 37 वाला जाकर देख लीजिएगा, मेथड वही है, ठीक है ना, क्या निकालने की, ई नेट निकालने की, 2e cos क्या थीटा निकल जाएगा, 2e मतलब 1/4π ε0 q/r² cos थीटा, ऐसे ही कर दे, इसको थीटा मान ले, इसको क्या मान ले, थीटा,
ठीक है, तो कॉस थीटा यहां से आ जाएगा पट से, आधार ये होगा, ये आधार होगा बेटा, ये आधार होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा, कॉस थीटा पट से आ जाएगा। ओहो, यहां कॉस थीटा आपको निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा आधार बटे क्या, कर्ण। अब करना तो पड़ेगा ही भाई, अब अगर मैं इसको थीटा मानता हूं भाई, चलिए मेहनत कर लिया जाए, अब कॉस थीटा कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए कॉस क्या थीटा, ये थीटा नहीं हुआ, गलत लिया मैंने, ये होगा थीटा, ये थीटा होगा। तो ठीक है, आधार ये हो जाएगा, इसको यम मान लेते हैं, एम बटे कर्ण ये एसी। अगर आप सवाल नंबर 37 देखते हैं, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो में, तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो आइए, 2 × 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर गुणे क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू तो यही रखना पड़ेगा, 50/3 माइक्रो मतलब 10⁻⁶ कूलम, 9 − 9 कूलम। बेटा उसके बाद बाई आर स्क्वायर, अब ये आर, आर यही है आपका, कौन यही है, यहां से यहां तक की दूरी, यही वाला आर होगा, 37 नंबर देखिए, कैसे मिलेगा यार, दिया ही है 0.05 मीटर का स्क्वायर, गर्मी बहुत है, एसी लगवाना पड़ेगा, अब चूंकि पंखा चलाएंगे तो वीडियो में आवाज आएगा। एसी लगवाना पड़ेगा, एम बटे एसी, एम बटे एसी, यस, एम इसका आधा 0.05, यानी इसको आप एक काम करें 5 cm/2 कर दें, 5 cm/2, और ये तो है ही, पूरा पूरा क्या सेंटीमीटर, 5 cm, आधार बटे कर्ण था ना, सही तो है, कट जाएगा ये भी, अभी कट जाएगा, 1/2 आ गया, 2 आ गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तुरंत देख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, 2 × 9 × 50/3 गुड़े 1/2 और बटे 0.05 × 0.05, इतना सवाल जटिल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो ये 10⁻+9 − 9 उड़ाई दो बेटा, 1 कूलम से 1 कूलम भी उड़ाई दो, और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर भी क्या कर दो, उड़ाई दो, तो बचा क्या चीज, अब तो मुझे नहीं दिख रहा है कुछ खास बचता हुआ, न्यूटन पर कूलम बचा, वही बचना भी चाहिए, सब तो मेरे हिसाब से सब दिख ही रहा है, 10 हटाओ और 10^4 बनाओ, 10^4 और 2 से 2 हटाओ, 3 से 3 × 9 हटाओ, और ये 50 कितना है, 25 दूनी कितना कर दो, 50 कर दो, 3 × 2 कितना कर दो, 6 कर दो, और अगर 3 × 6 कर दिए और 10^ कितना बचा दिए, 4 न्यूटन पर क्या कूलम, पता नहीं आंसर शीट से आंसर मैच करे या ना करे, कर दिया न्यूटन पर क्या कूलम, और दिशा आपको वही प्लस से किसकी ओर, माइनस की ओर, ठीक है बेटा, ये हो गया सवाल नंबर क्या, 38 and 39। ठीक बच्चे, आई थिंक सबको समझ में ये सवाल आ गया होगा।